मिलेगी तो बारात में हमको मिल गई हमारी सासू माँ, भाभी, दादा, तीन। हेलो जी, हाय, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ कोनी पाठक और स्वागत है आपका मेरा मेरे फेसबुक और यूट्यूब दोनों के चैनल में। लास्ट ब्लॉग अगर आपने देखा हो तो मैं आई हूँ बारात में, मेरे एक दादा हैं उनकी बारात है, तो वो ब्लॉग लंबा हो गया, तो आगे क्या होगा चलिए देखते हैं इस ब्लॉग में। बाय द वे हम आए बाराती और बारातैया बागेश्वर। तो जी बारात पहुंच गई है यहाँ पे बागेश्वर में, हम हैं बाराती और टचअप हो गया है। हो गया आपका टचअप? मेरा तो हो गया, बस दूल्हे का सेहरा मेरा है। बिल्कुल, तो अब हम चलेंगे कुछ नाश्ता पानी करके बारात में। ओके, जा रही है, डायलॉग वासी देख रहे हो? मेरा भाई भाभी लेने आया, मतलब मैं अपनी भाभी लेने आई। एग्जैक्टली, मैं करेक्ट करने वाली थी तुम्हें। और नाच 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 के क्या हुआ? नाच नाच के तोड़ दी सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो पापा कर लेंगे मेरे हैंडल। इट वाज नाइस, तेरे पापा कर सकते हैं यार हैंडल। भाभी हेलो बोलो। हेलो हेलो दुल्हन भाभी, इसके बाद तो आप अवेलेबल नहीं रहोगे, कैसा लग रहा है बताओ? दुख दुख हो रही है? आपके दूल्हे ने तो बड़ा स्टेटमेंट दिया है, वो आप वीडियो में देखना शादी के बाद, है ना? कैसा लग रहा है बताओ ना। अरे शर्मा दे रही है, अच्छा लग रहा है। तुझे कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत खुशी रही, मैंने इतना डांस कर दिया कि मेरा गला ही रेडी है। यहाँ ना हमको दद्दू की साली भी मिल गई, ये भाभी के मामा की बेटी। इससे आप पहले भी मिले हो, इतनी सुंदर को दिख रही है। यहाँ पे हो रहा है बिहाइंड द सीन, क्या चल रहा है भाई, क्या हो रहा है? ये दूल्हे दुल्हन के लिए, जयमाला के लिए, ये दद्दू की साली, वो भी दद्दू की साली, ये भी दद्दू की साली, ये दद्दू के मामा की बेटी है। ये तो ये क्या होगी, तो दीदी की बेटी है ना? दीदी की बेटी मतलब मौसी की बेटी, तो तुम भी साली दद्दू की, मेरे बड़े भाई की। हाँ तुम इनकी बहने हो ना, कजन सिस्टर हुई उनके? नहीं, इनकी कजन है ना ये, तो दद्दू की साली बोल दो। दद्दू देखो अपनी सालियों को, साली बोल दो। देखो सालियों, मैं बताऊँ तुझे, दद्दू को मिता चढ़ाते थे ना, अभी भी 300 आज से 6 पहले कितने होंगे। तो कैसा नसीब है इतनी छोटी छोटी सालियाँ, है ना? है ना भूमि, तो सिर माँ की उड़ी है। हाथ में कंगन, कान में झुमका, भली छाजी रे, ए तेरे कोई मुखड़ी भली लगी रे। खाने के लिए आ गए हम भाई साहब, बाद हम सब चलिए अब खाना खाते हैं। कहाँ है प्लेट? थोड़ा कुछ चटनी भी चाहिए साइड में। स्पेशल सर्विस दे रही है दूल्हे की बहन मुझे, हालांकि मैं भी दूल्हे की बहन हूँ, बट मुझे थोड़ी ज़्यादा स्पेशल मिल रही है सर्विस। नहीं चलिए 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 चलिए, थैंक यू। और सब मिक्स हो गया और अब तैयारी है जयमाला की। दुल्हन आ गए। दादा दादा ढक ढक हो रहे हैं, कितने जोर से? जोर से दादा। हाँ ओ घर जाके दूंगा, यही देना है। हाँ घर जाके देना, यही देना है। ओहो हाँ ठीक है, दुल्हन उनकी तो आ गई। अरे इतनी लड़कियां हैं यहाँ यार, तो कैसा दोस्त है ढूंढ के दे उसको। मैं कैसे दूँ
ढूंढ के दे। तेरे स्कूल में नहीं पढ़ती कोई? स्कूल छोड़, बारात तो यहाँ से लेके जाना चाहिए ना। जा 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 जा। पड़ोस में नहीं है कोई? माई दत्ता हाय। खींचो 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 खींचो। बारात में हमको मिल गई हमारी सासू माँ, पहचानो इनको, ये कौन है? भाभी की मम्मी। और सुनाओ बेटा, हमको अच्छी बाजी कर दो। अजीब अजीब आलू बोल कौन रहा है? अब क्या हुआ, आजकल की शादी जैसे आपको पता है कि फोटो सेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, उसके बाद जयमाला में। तो पंडित जी लोग जो थे या बुजुर्ग लोग जो थे ना, वो बड़ी फिक्र में थे कि मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी आओ। और फिर मेरा क्या था, मेरे बगल में कोई अंकल जी थे जिनको इन सब चीजों की नॉलेज भी थी, मैं उनके साथ बैठ गई, उनसे बहुत सारी चीजें डिस्कस की। दादाजी क्या मिला रहे हैं भाई? कुंडली मैच कर रहे हैं। और आगे किससे मैच हो रही कुंडली? बहुत सारे हैं बट मैं ना यूट्यूब में वीडियो डालती हूँ, यूट्यूब में तो उसमें भी आओगे आप। तो अंकल जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया पंचांग के बारे में, मुहूर्त के बारे में। इसकी वैल्यू नहीं करते हम लोग आजकल, लेकिन वो बहुत वैल्यूबल होता है। बस इसकी कब होगी? इसकी कब होगी? मेरी कह रहे हाँ तुम्हारी शादी ना। दादाजी बता, दादाजी चाहे तो आप भी करा दे मेरी। इसके लिए नहीं, मैं कह रही मेहमानी के लिए करो ना। हम तैयार हैं। और क्या, लाइन लगा देंगे है ना रिश्तों की? लाइन तो नहीं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं आजकल, कम मिलता है। अभी हमारी शादी में टाइम है, करनी हो ही जाएगा। और अब दूल्हा दुल्हन आ गए मंडप पे और शादी होने लगी है। देखो यहाँ पे शादी करने वाले करें, हमें मतलब है अपनी फोटो से, है ना, है ना। अब इसके लिए लड़का जुगाड़ो, सारे लड़कों कमेंट्स करना। और दुल्हन की बहन को फुर्सत नहीं, ओ सॉरी, चाय का टाइम हो गया ना तो दिमाग काम करना बंद हो गया। दूल्हे की बहन को फोटो, हाँ फोटोज लेने से फुर्सत नहीं है। और उसकी दोस्त बेचारी अपना फर्ज निभा रही है एक अच्छी अच्छी दोस्त होने का, है ना। और एक्सक्यूज मी, हटना तो इतनी गनी बेइज्जती मेरी। ये देखिए, ये है बागेश्वर, ये दद्दू का साला। दद्दू का सगा साला है ये। हेलो वो देना बोल ना। तो ना मेरी ना यहाँ एक नई दोस्त बन गई है, जो दूल्हा है उसकी बहन की दोस्त थी वो मेरी भी अच्छी दोस्त बन गई है। अभी हम थोड़ा सा ऐसे घूमने को जा रहे हैं और फिर शादी आदि तो हो रही है बारात अभी। बल्ले बल्ले, भाभी आ गई। इस होली में एक और भाभी आ गई। अब तीन तीन मुझे घेरे रहेंगी, ये मजा आ जाएगा। देखो भाई, छोटे दूल्हे का जूते का ये टूट गया, लेकिन दुल्हन अभी तक नहीं मिली। अरे यार, अब क्या होगा यार बताओ? जो होना है वो होगा। पर दुल्हन जो तुम्हारा इंतजार, सॉरी, पर तुम जो दुल्हन का इंतजार कर रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? लेकिन मैं दुल्हन का इंतजार ही नहीं कर रहा हूँ। हमको पता है। अरे लेकिन मैं खरीद रहा हूँ। हमको सब पता है। अरे तो वो तो मनीष दत्ता की शादी थी इसलिए। हमने तो नहीं पहनी। हाँ हमारे भी तो मनीष दत्ता की शादी थी। अरे तो आपकी बात अलग है, हमारी बात अलग है। दादाजी की जूते भी खो गए। दादाजी के जूते खो गए थे, फाइनली मिल गए। हाँ मिल गए, मिल गए, मिल गए। दूल्हे ने छुपाए थे, इसने छुपाए थे, छुपाए छुपाए थे। दुल्हन नहीं मिल रही है ना इसलिए। हाँ तुम्हें अगर खाने को मिले कौन सा वाला खाओगे? ये फ्रूट्स में से क्या खाओगे? ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, और ये और ये सब तुम खा जाओगे, हमारे लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और अगर तुम्हें बोला जाए खाने के लिए तो? मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। अरे तो मैं क्या करूँ? खिलाओ ना।
अब देखिए यहाँ पे ना अब फेरे होंगे, तो फेरे के टाइम पे हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो दुल्हन के मम्मी पापा हैं यानी जो कन्यादान कर रहे होते हैं वो फेरे नहीं देखते, तो कन्यादान हो गया उसके बाद वो उनके मम्मी पापा चले जा रहे हैं, मतलब वो फेरे नहीं देखेंगे, उसके बाद वो बाद में आएंगे ऐसा कुछ। देखिए मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा काम है भाई भाभी को छेड़ना, आपको जैसे कि पता ही है। तो मेरी नई भाभी आई है और दद्दा नए नए दूल्हे बने आई वाले, तो जितना मौका मिला हमने चिढ़ा रहे थे, फेरों में भी चिढ़ाना शुरू कर दिया। दद्दा दद्दा दो, हम गिन रहे हैं। भाभी दद्दा तीन, भाभी अब मुस्कुराओ, दद्दा चार, भाभी दद्दा पांच। देखिए ये फोटो हमने खींचा, इसको वायरल करेंगे। आपको याद है वो एक चुटकी सिंदूर जिसकी कीमत रमेश बाबू ने नहीं जानी थी उस किसी मूवी में, उस सिंदूर की कीमत मेरे भाई ने जानी और भाभी की मांग भर दी। खैर हमारा एक और रिवाज होता है कि दूल्हा अपना रुमाल बिछाता है, जैसे बोलते हैं ना कि वाइफ जो है वो हस्बैंड की वामांग में बैठती है, लेफ्ट साइड बैठती है, तो गोदी में उठा के उनको उस रुमाल के ऊपर बिठाता है, तो वो बड़ा प्यारा सा मोमेंट होता है, वो अभी हो रहा है। दादा अब तो सही में राजा राजा फील आ रहा होगा है ना। तो ये दुल्हन दूल्हे के ना पैर धुला रही हैं, क्योंकि विष्णु भगवान का रूप है ना वो, इसीलिए। हाँ और दुल्हन लक्ष्मी, हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए तो शादी के दिन दूल्हा विष्णु भगवान का रूप होता है और दुल्हन लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी कह नहीं देते सुबह देवी, तेरा होता नहीं अनुमानी, तेरा होता नहीं भाभी तो है, मेरा भी पता नहीं, मैं तो हुई। देखो देवियां बहुत टाइप की होती हैं, अब गारंटी नहीं कह सकते वो लक्ष्मी होंगे तू मैं या कुछ और। तू कौन सी देवी है? खुद ही बोल रही है, अब मैं क्या बोलूँ, देख मेरी बहन खुद ही बोल रही है। ये है एक दूसरे को जूठा खिलाने वाली रस्म, और कितने इंटरेस्ट से खा रहे देखो दद्दा, ये तो और टेस्टी लग रहा होगा ना। हाँ भी दद्दा दद्दा भाभी फाइनल फाइनल भैया दद्दा यहाँ ना मजाक मजाक में हमारे फेरे गिनना काम आ गया, क्योंकि पंडित जी भूल गए थे कितने फेरे हुए, हमने बताया सात हो गए। और लीजिए हमारी भाभियों की लिस्ट में एक और भाभी का नाम ऐड हो गया, तो कमेंट में लिखिए बधाई 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 बधाई, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बधाई सुनना। तो जी इस शादी में ना मुझे एक फायदा हुआ, दो फायदे हुए, एक तो भाभी आ गई, एक मुझे नई दोस्त मिल गई, बातें भी मेरी तरह करती है, हरकतें भी मेरी तरह करती है, ऐसे लोग मुझे अच्छा लगा जान के कि हाँ हाँ मुझे अच्छा लगा ये जान के कि दुनिया में ना मेरे जैसे भी लोग हैं यार, सीरियसली मेरी बात हो रही है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तारीफ कर रही हूँ मैं तो, वैसे दोस्तों की तारीफ नहीं करनी चाहिए। शाम और अब पारा जाने वाली है, हम भी जा रहे हैं वापस, ये अपने घर जाएगी।